अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर है नदीम आपकी खिदमत में। जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अजीब सा तो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जैसा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जैसा बनाया मुझे। तो जैसे कि मेरा मौजू रहता है अक्सर कटिंग के मुतालिक, स्टिचिंग के मुतालिक, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आती होगी, ठीक है। अगर देखें, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँ, ठीक है, तो जितनी मुझे समझ है अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ। सिर्फ आप मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, भरपूर साथ चाहिए आपका, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आज का टॉपिक क्या रहा है हमारा, कोट की स्टिचिंग है, ठीक है, उसकी बस अनकरीब है कोट मुकम्मल होने वाला है। तो चैनल को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी मुझे आपकी सपोर्ट मिले, तो मैं कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में ये कोट मुकम्मल नहीं हो सकेगा, ठीक है, इस बात के लिए सॉरी। मैंने इस वीडियो में बताया कि मैं इस वीडियो में कोट मुकम्मल करूँगा, बहरहाल ये वीडियो लंबी हो जाती, मैंने काट दी है, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह पैड और कॉलर के बारे में, जैसे कि पहले बताया था मैंने, तो कोशिश करूंगा इस वीडियो में कोट मुकम्मल करूं। तो पैड तो मैंने पहले भी दिखाए थे, सेटिंग वगैरह की थी, ठीक है, हल्की सी यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाना था, ठीक है, यहां पर आप देखें शेप है ज़्यादा, ठीक है, ये शेप आपने हल्की सी कम करनी है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तकरीबन एक इंच पौनी इंच यहाँ से शेप होनी चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने कट लिए थे, ठीक है, ये फ्रंट साइड की तरफ आएंगे, ठीक है, दोनों, और ये बैग। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखें पैड आगे जो आगे आगे की तरफ आएगा ना, ठीक है, वो आगे से हल्का होना चाहिए, पीछे से थोड़ा सा अगर देखें वज़नी होना चाहिए, क्योंकि पीछे स्पोर्ट नहीं होती, ठीक है, आगे फिर तभी होती है, तभी होती है, तो आगे बेशक पैड हल्का हो जाए कोई मसला नहीं, असल पैड जो होता है ना पीछे से उठाना चाहिए, ठीक है, वज़नी होना चाहिए, एक पल्ला होता है, ठीक है, एक फॉर्म जो होता है ना इसका, वो एक ज़्यादा होता है इस तरफ, ताकि पीछे स्पोर्ट ज़्यादा आ जाए। तो हल्की सी शेप कम कर लेते हैं इसकी, तो ये तो मेरे पास रेडीमेड पैड पड़े हुए हैं, ठीक है, बने हुए थे, ऐसे ही बने हुए मिलते हैं, है थोड़े से पुराने वाले होते हैं, ठीक है, हम इसे लंडा पैड बोलते हैं, लंडे के होते हैं, ठीक है, नए भी मिलते हैं, और अगर जो पुराने होते हैं ना, वो उसमें मेरे हिसाब से ना वो ठीक होते हैं, क्योंकि काफ़ी चले होते हैं और बेहतरीन होते हैं। ये तकरीबन पुराने वाला पैड है, तो अच्छे पैड है, माशाल्लाह अच्छे बनाए हुए हैं, इसका रिज़ल्ट जो है ना अच्छा होता है। अब लगाते हैं पैड, तो टांका बशक बड़ा कर लें, ठीक है, तो अब मैं भी दिखाऊँगा, और यहाँ से पहले मैंने आपको दिखाया था कॉलर का निशान, ठीक है ना, आज हम इंशाल्लाह कॉलर के बारे में आपको गाइड करेंगे, ज़्यादातर बहुत फरमाइश थी कॉलर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हम निशान जो है ना ताज़ा कर लेते हैं। ये तकरीबन मेरा ख़्याल है वीडियो पार्ट 3 में है, या पार्ट, बहरहाल मैं देख कर लिंक डाल दूँगा, ठीक है, कॉलर काटने का और लगाने का, सेटिंग करने का, वो मैं तरीका दिखा दूँगा, लिंक जो होगा ना उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आपने लाजमी देखनी है, उसके बाद ये कॉलर काटना है और लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैड लगाते हैं, ठीक है, तो जो हमने कट लिए, ठीक है, हल्की साइड वाली, वो आगे की तरफ आएगी, और यहाँ से ये जो होते हैं ना पॉइंट वाली बातें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखें सेंटर नहीं करना, ठीक है, सेंटर से मामूली सा ना बैक साइड की तरफ ज़्यादा होना चाहिए पैड, तकरीबन आधी इंच हो जाए, ठीक है, आधी इंच बैक साइड से ज़्यादा होता है पैड, ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आगे बेशक थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, तख्ती की तरफ ना फ्रंट की तरफ कम होना चाहिए पैड, बेशक पीछे चले जाए थोड़ा सा तो अच्छा रहता है, पीछे हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए पैड की, ठीक है, तो तकरीबन आधी इंच हमने पैड आगे से कम कर दिया और पीछे कर दिया, जो सिलाई की दर्ज है, ठीक है, उसके बिल्कुल यहाँ पर आप बराबर रखकर और लगा देना, ठीक है, इस तरह हमने चेक कर लेना कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर हमने मार्जिन कम लिया, ठीक है, जब बाजू हमने लगाए थे
तो इस वीडियो में इस सिलाई में, ठीक है, इसमें हमने मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है, ताकि जो कच्चा वगैरह होता है ना वो सामने की तरफ शो ना हो। तो यहाँ पर हम बड़े आराम से लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आए और देख सकें आप अच्छे तरीके से। अगर देखें, मैं एक और पॉइंट वाली बात बताता हूँ, अगर यहाँ पर अगर बाजू में नम ज़्यादा है, ठीक है, अगर नम ज़्यादा लग गई है, ठीक है, तो आप यहाँ से पैड मामूली सा बाहर निकालना है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ से तवी से ना पैड बाहर आना चाहिए, ठीक है, अगर नम ज़्यादा है। अगर नम ज़्यादा नहीं है तो आप बराबर रख कर लगा सकते हैं, मामूली सा एक सूत बाहर आ जाए, कम नहीं आना चाहिए पैड के, नज़र आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा, ठीक है, नम नहीं लगाना पैड को, ठीक है, बिल्कुल बराबर हाथ में लगाना है। अगर हल्का सा खींच भी लें तो खैर कोई मसला नहीं, इतना नहीं खींचना, हल्का सा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिल्क का टोटल लेंगे, ठीक है, सिल्क का टोटा हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि पैड के साथ हम पैड के साथ सिल्क जो होता है ना वो पकड़ें, जो सेम का है वो मैं आपको दिखा दूंगा साथ साथ। इस तरह हमने, चाहे आप इसके अंदर लगा लें, ठीक है, बेशक आप इसके नीचे लगा लें, पर मकसद क्या है कि आपने सिल्क को जो है ना वो पकड़ना है। साथ साथ सेटिंग करनी है आपने, जैसे कि आपने देखा है फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्टिंग में अपना फेस लेकर आई हूँ, अपनी वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलें आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तो लाजमी आप बताना कैसी लगी है मेरी वीडियो जो फेस की बनाई थी मैंने, ठीक है, फर्स्ट टाइम बना रहा था, मैंने कहा चलें, एक दोस्त ने फरमाइश की थी आप अपना फेस सामने लेकर आएँ, तो मैंने कहा चलें यार आपकी फरमाइश पूरी कर दूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर दोस्त की कुछ छोटी मोटी जो फरमाइशें होती हैं जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ पूरी कर देता हूँ। तो आप कमेंट्स में बताना आपको मैं कैसा लगा हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारी जो होगी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से ना हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगाई है, ठीक है, तो इसी तरह हमने अंदर कर देना इसको। अब दूसरा पैड लगा कर एक ही बार हम आपको दिखाएंगे सिल्क हम कैसे पकड़ते हैं इसका। ये पैड थोड़ा सा हल्का वजनी लग रहा है, बहरहाल चलो ठीक है। अच्छा बात होता है पैड वजनी भी होता है हल्का भी होता है, ठीक है, वो सेटिंग कर, अगर नम की तरह देखें, नम अगर ज़्यादा तो ठीक है, थोड़ा सा वजनी हो जाए कोई मसला नहीं है। तो नम भी मैंने आपको दिखाई थी कितनी थी, ठीक है, इतनी नम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नम लगाएंगे ये कपड़े वो नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत मेहनत होती है, डबोटे आ जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा नम नहीं होनी चाहिए। पहले वाले जो थे ना कपड़े उसमें नम कवर हो जाती थी, इन कपड़ों में नम जो होती है ना वो कवर नहीं होती, तो मामूली सी नम होनी चाहिए ताकि खूबसूरती पैदा हो, बहुत ज़्यादा नम नहीं डालनी आपने। हाँ पहले बहुत ज़्यादा नम होती थी, तकरीबन आधी इंच पौने इंच नम होती थी, एक इंच भी नम डाल देते थे ऊपर, तो अब तो तकरीबन मेरे हिसाब से आधी इंच नम बहुत होती है। मेन चीज़ है कि बाजू जो होता है ना ऊपर से खूबसूरत होना चाहिए, खींचना पड़े बस, नम इतनी होनी चाहिए और कुछ नहीं होता। इस तरह आराम से लगाने हैं आपने भी पैड, जितना आराम से ये काम करेंगे ना इतना अच्छा आएगा। ये भी तकरीबन हो गया, अब हम देखें पैड लगाकर आपने लाजमी चेक करना है कोई डबोटा वगैरह तो नहीं आया इसमें, ठीक है, तकरीबन ठीक है, इतनी नम नहीं थी। अब हम आपको दिखा देते हैं सिल्क हम कैसे पकड़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखें हाथ रखेंगे, ठीक है, नीचे वाली जो सेम की दर्ज है, ठीक है, यहाँ पर हाथ रखेंगे, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये दर्ज
कैसे मैच करेंगे हम, यहाँ से हमने इस तरह कर लेना और अपने नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ से चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा ये भी यहाँ से भी आप अगर मामूली सा पीछे की तरफ जाता है ना, ठीक है, पीछे की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। अगर आगे की तरफ लगा देंगे ना तो पीछे से बैग जो सिल्क जो होता है ना वो खिंच पड़ेगी तो सैड चाक में अल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। कोशिश करें तकरीबन 2 सूट पीछे चला जाए, खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वाली दर्ज क्योंकि हमारी जो अब सिलाई लगाएंगे ना वो इससे बहुत असर पड़ता है, ठीक है, और अल्ट्रेशन बताता है फिर यहाँ से। आपने यहाँ से पकड़ लेना, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लेना है किधर आ रही है, तकरीबन सेंटर में आ रही है, ठीक है। इसके इसके हमने सेंटर पर रख कर पका कर लेना है। ये शार्ट तरीका है, ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं को गुस्सा आता है यार ये कितना शार्ट तरीका है, ये कितना 2 नंबर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने बुरा नहीं मनाना, ठीक है ना, मेरी कोशिश है कि शार्ट तरीका बताऊं, ठीक है, इतना भी शार्ट नहीं है। ये देखें यहाँ पर सिल्क जो है ना पकड़ हो गया इसकी। अब अगर देखें एक और चीज़ भी है, अगर देखें पैड है, पैड आप अगर चाहें तो यहाँ पर टांके उठा सकते हैं, यहाँ पर भी सिलाई ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हाथ से टांके उठा सकते हैं, पैड पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी उठाना चाहते कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं तो नहीं उठाता, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो मैं रेगुलर करता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कोई पैड वगैरह नहीं पकड़ता, ठीक है, ना ही तभी पकड़ता हूँ यहाँ से, सिलाई वगैरह नहीं करता, ठीक है। तो पैड भी आज़ाद होता है, तो अरमोल वगैरह भी यहाँ से आज़ाद होता है, ठीक है, आपका जैसे दिल करता है, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप करें, यहाँ पर पैड पकड़ सकते हैं, तभी पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए करता हूँ ना कि आज़ाद कोट होना चाहिए, अल्ट्रेशन इतनी नहीं होती, ठीक है, बास टाइम हो जाता है, पैड आगे पीछे हो जाता है, मामूली से टांका एक ऊपर नीचे हो जाता है तो अल्ट्रेशन करता है कोट, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह जैसे बनाता हूँ वैसे आपके साथ शो करूँगा, ठीक है। अब हम दूसरे पैड की तरफ आते हैं, इसी तरह हमने इसे भी पकड़ लेना है ऐसे ही सिलक के साथ, ठीक है। अगर कोई बात अगर सही तरह अगर अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यार भाई आपने यहाँ पर गलत बताया है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे यकीन माने कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं कोशिश करूँगा आपके जो होते हैं ना अल्फाज उस पर गौर करूँगा और आने वाली वीडियो पर मैं इंशाल्लाह और मेहनत करूँगा, ठीक है, कोई माइंड नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ये मैं आपसे खुले दिल से कह रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई बात अगर अच्छी नहीं लगती, यार यहाँ पर आपने क्यों ये लगा लिया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको इस बात का भी जवाब दे दूँगा। तो ये माशाल्लाह हमारा तकरीबन हो गया बाजू का काम मुकम्मल। तो अब आते हैं यहाँ पर, ये हाले की सिलाई हम ले लेते हैं, ठीक है। अब आएंगे कॉलर बनाएंगे, वैसे तो मैं पहले ही कॉलर बना लेता हूँ, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि स्पेशल एक कॉलर की वीडियो बनाएं, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सिलाई मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉलर भी दिखाएंगे आपको और कॉलर की ड्राइंग वगैरह कटिंग किया कॉलर, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है। पहले वो देखेंगे फिर ये वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह कॉलर की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी और कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉलर हम बनाएंगे, ठीक है, इजी वाला। होते हैं डबल डाप वाले कॉलर होते हैं ये, वो बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो भी मैं कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको गाइड करूँगा। यहाँ पर आपने सिलाई ख़त्म कर लेनी है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगानी है आपने, तो धागे वगैरह सेटिंग कर लेना, कटिंग वगैरह चेक कर लेना। अब हम कॉलर काटेंगे, ठीक है, काटा हुआ है पर सेटिंग थोड़ी बहुत करते हैं तो फिर बनाते हैं हम इसे, करते हैं साइड पर। तो तकरीबन हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला काम हो गया, अब सिर्फ कॉलर का काम रहता है, ठीक है, अब इसे साइड पर करते हैं, कॉलर लेकर आते हैं। अब ये आ गया हमारा कॉलर, चिपकाने वाला नहीं है, ठीक है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी। अब देखें नीचे की कटिंग हमने कर ली है, ठीक है, पहले ही मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि इसकी वीडियो आप पहले दूसरी देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। नीचे से हमने कटिंग सेटिंग कर ली थी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो ऊपर वाला निशान है ना
ये वाला, ये हमारा समझ लें एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इस पर हमने कुछ तवज्जो नहीं देनी क्योंकि हमारा स्ट्रोंग था, हमने स्ट्रोंग नीचे की तरफ किया था। तकरीबन ये एक इंच होता है, ये सवा इंच हो जाता है, ठीक है। बैंड जो होता है ना एक इंच होता है, तो स्ट्रोंग जो होता है ना कॉलर वाला ऊपर वाला सवा इंच हो जाए, डेढ़ इंच हो जाए, सवा इंच बहुत है, ठीक है। एक इंच ये हो गया, सवा इंच ये हो गया। तो इस तरह हम इसकी मदद से हम दूसरे वाला भी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ आपने भी वैसे ही बनाना है अगर तरीकाकार पसंद आता है तो, ठीक है। इस तरह हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। हर बंदे का एक अपना तरीकाकार होता है, ठीक है। आप ये भी देखें इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और पसंद भी आएगी, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारी जो हो गया ना सेटिंग हो गई, ठीक है। ये डाप का निशान आ गया, ठीक है। ये डाप यहाँ से फोल्ड होगी और ऊपर से हमने ये कटिंग वगैरह सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डाप सेटिंग कर लेते हैं, बराबर कर लेंगे। हाफ जो होता है ना, ये आगे जो हाफ आ गया, ठीक है। तकरीबन हमने एक इंच रखा हुआ है और पेड़ का जो हाफ था ना हमारा तकरीबन सवा इंच था। अगर सवा इंच वो रखेंगे तो ये एक इंच रखेंगे। हाफ जो होता है ना कॉलर का, उससे कम होता है, ठीक है। मामूली सा और कम कर लेते हैं अपना, ये तकरीबन हम हल्का छोटा ही रखें तो बेहतर रहता है। आजकल चल रहा है कम हाफ, छोटा हाफ होता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगता। यहाँ से हमें कट ले लेना, ठीक है। आजकल मौसम जो है ना कहते हैं सावन का है, ठीक है। बुकरम जो होती है ना नरम हो जाती है। अब हम पहले धागा नीचे से चेंज कर लें क्योंकि ब्लैक है धागा नीचे और कोट है ब्लू। शिट, अब हम यहाँ पर सिल्क, हमने नीचे सिल्क लगाना है, ठीक है। सेम का कपड़ा भी लगा सकते हैं, बहरहाल हमने सिल्क लगाना है। और सिल्क का तरीकाकार जो होता है ना, रेप काटना है हमने, सेंटर में सिलाई आएगी जैसे ये इसमें आई है, ठीक है। हमने अलग से कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप शेप शक्ल देख सकते हैं, शेप शक्ल सेट करके तो चेक कर लेनी है। यहाँ पर ज़्यादा ऊपर स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना हुआ, तो तकरीबन ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे काटेंगे, जैसे मैं काटूँगा आपने गौर से देखना है, ठीक है। रेप रखना है और ये जो डाप का निशान है, ठीक है, डाप हमने सीधी रखनी है, चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, ठीक है। मकसद क्या है कि हमारा जो यहाँ से हमने आड़ा हो जाए सीधा हो जाए, खैर है कोई मसला नहीं। तो इस तरह भी आप काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर काट लें तो बेहतर है। यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए। इस तरह हमने रेप काट लेना है इसको। होते हैं एक फ्यूजिंग के भी काट के बना सकते हैं चिपका कर, वो एक होती है फर नीचे इस बुकरम की जगह लगती है, ठीक है। वो भी आप बना सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं यार, बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार हैं कलर लगाने के, बनाने के, ठीक है। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी ऐसे करें अगर पसंद आता है तो, शॉर्ट तरीका, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ से हमें सिलाई लेनी है, ठीक है। टांका छोटा कर लेना है, इस तरह ये दर्ज खोल लेनी है, ठीक है, चीर लेनी है। और ये वाली जो है ना, अभी मैं इसको थोड़ी सी आयरन कर लूँ, बहुत नरम जा रहा है, ठीक है, मैं आयरन करके लाता हूँ। तो हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया। अच्छा, इसमें भी कई किस्मों की बुकरम आती है, ठीक है। ये जो होती है ना, ये हम लगा रहे हैं, ये बेल्ट बुकरम है, ठीक है। पैंट का बेल्ट बनता है इससे भी, पहले बहुत बनते थे इसके, अब मेरा ख्याल है नहीं बनते इतना, बेल्ट नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं। अच्छी है ये बुकरम तकरीबन। इस तरह आपने छोटी सी सिलाई ले ली है, ठीक है।
इसी तरह आपने इस तरफ कर लेना है और यहाँ नीचे जा लेना है। यहाँ से निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ये कोट मुकम्मल ही करें। प्रेसिंग वगैरह कर दूंगा, ठीक है, अलग से देखूंगा क्या तरतीब बनती है, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था पैड भी लगाऊंगा, तो मैंने पैड नहीं लगाए थे क्योंकि बोलने में देखें मिस्टेक कर दी मैंने। इसमें मिस्टेक ये नहीं करूंगा कि मैंने ये करना है वो करना है, साथ साथ देखें कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में ये मुकम्मल करूँ। इस तरह आपने जो डाक का निशान था, ठीक है, उस पर ही आपने स्टिचिंग करना है, ठीक है, सिलाई करनी है। तकरीबन आधी इंच यहाँ से छोड़ देना, ठीक है, आधी इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किए हैं, दो तीन बार कमेंट्स किए हैं यार, वो कहता है कि आपका नंबर सेव नहीं हो रहा या मेरे पास व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा। तो मेरे भाई, मैंने कितनी बार नंबर दिया भी है और कमेंट्स में यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर देता हूँ, स्क्रीन पर भी दे देता हूँ, ठीक है। सेम आप वैसे सेव करें तो आपके पास शो हो जाएगा, अगर नहीं होता देखें आप अपना नंबर मुझे सही तरीके से सेंड कर दिया करें तो मैं खुद कंट्री बता दिया करें, ठीक है, तो मैं उस तरह सेव कर दूँ तो रबता मैं कर लूँगा, ठीक है। तो हर बंदा देखें पढ़ा लिखा नहीं होता, हर बंदे को भी ज़्यादा मालूम नहीं होते, ठीक है। मैं खुद यकीन माने इतना जानता है इसको क्या होता है क्या नहीं होता, बार पूछ के कर लेता हूँ, ठीक है। इतना मैं पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, बार मैं नंबर साथ बोल देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ का कंट्री का, मेरी पाकिस्तानी कंट्री का जो आए ना कोड प्लस है ना +92 आगे मेरा नंबर है 333 है, ठीक है, 5576097 है, ठीक है। आप ये सेव करें, इंशाल्लाह आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी। पता नहीं क्या पूछना था भाई मेरे ने। पहले ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी इस काम में, कॉलर में बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर 5-7 सिलाइयाँ लगती थी, ठीक है, इसी तरह ऊपर नीचे ज़्यादा सिलाई वगैरह करके कॉलर बनाते थे, बहुत सारा इस तरह प्रेस करके तब जाकर लगाते थे हम। बहरहाल अब जदीद दौर जा रहा है, शार्ट काम होता है, ठीक है, तो होना चाहिए यार, लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, अब बहुत काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये सिलाई ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल होगी, ठीक है, हम यहाँ से एक्स्ट्रा काट लेंगे। तो ऐसे आपने बना लेना, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, अब हम कॉलर का पीस लेंगे, ठीक है, सेम का, और फ्यूजिंग वगैरह हमने कर ली थी पहले ही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कॉलर जो है ना सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेम आपने सिलाई लेनी है, ठीक है, यहाँ पर, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लेनी, ठीक है, हम बुकरम से नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए। अब आधे पाँव का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, मार्जिन छोड़कर आपने काट लेना, तकरीबन आधी इंच से 2-1 सूट कम है। ऐसे ये जो मार्जिन हमने लिया था, ठीक है, वो अंदर की तरफ कर दिया। अब तो यहाँ से बुकरम के ऊपर सिलाई लेनी है, ठीक है,
ये हो गया हमारी सिलाई मुकम्मल। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ठीक हो गया। तो अब हम हाफ़ इसके हाफ़ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें गौर से, तो मैं एक मिनट क्लोज़ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सिलाई जो है ना आपको ऊपर की तरफ शो होनी चाहिए, ठीक है। मामूली सी तकरीबन एक सूत नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, ठीक है। सिलाई आपने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही सिलाई ले लेनी है। तो सेटिंग अच्छी से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिलाई लेनी है और देखें कि जहाँ अच्छे तरीके से बैठ रहा है कॉलर, ठीक है। अब यहाँ पर पक्का हो गया, ठीक है। आपका दिल करता है तो यहाँ से मशीन से निकाल लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमारी सिलाई की ज़रूरत थी, इससे आगे अगर लगाते हैं तब भी मर्ज़ी है, क्योंकि हमारी ये सिलाई खुल जाएगी थोड़ी सी। और मैं ऐसे करता हूँ, सिलाई आगे ले जाता हूँ तो बाद में खोल लेता हूँ। पक्का तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। इस तरह हमने मार्जिन रख लेना है, सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो तकरीबन ये वाली भी सिलाई ऐसी लगेगी, पर उस तरफ से लगेगी, ठीक है। तो मार्जिन वैसे ही रखना है आपने। और यहाँ पर आपने देख लेना है हल्का सा कॉलर, नीचे वाला कपड़ा जो है ना उसका अपना वो मामूली सा लूज़ होना चाहिए। तो ये सिलाई हमने इस तरह आपने लगा लेनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ तक डाप तक हमने पक्का कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जाएंगे हम आयरन की तरफ, आयरन करेंगे इसको, ठीक है। उल्टा लेते हैं यहाँ पर, इस तरह आपने उल्टा लेना है, ठीक है। तो नोक जो आती है ना कैंची की मदद से हम निकालते हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये बस इतना है, हल्की सी नोक निकल रही है, ठीक है, अच्छी है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि कॉलर के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, ठीक है। दो चार पांच भी हो सकते हैं, तो ये सिंपल है, ठीक है। कभी फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह कभी अगर वीडियो बनाई कॉलर की तो मैं एक और स्टाइल बनाऊँगा, ठीक है। आप चलते हैं, वेरी वेरी सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप जा रहे हैं, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।